फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार हेल्थ केयर को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर संसार हेल्थ केयर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बवासीर को करें जड़ से खात्मा, इसका लक्षण कारण और उपचार के बारे में। आधुनिक युग की जीवन शैली में सब लोग शारीरिक काम कम करते हैं और मानसिक काम अधिक होता है। लगातार अधिक देर तक बैठे रहना भी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें से बवासीर एक ऐसा ही रोग है। इसके अलावा अनियमित खान पान और कब्ज की वजह से भी बवासीर हो सकती है। इस बीमारी को अर्श, पाइल्स या मूल व्याधि के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में गुदा की भीतरी दीवार में मौजूद खून की नसें सूजने के कारण तन कर फूल जाती हैं। इससे उनमें कमजोरी आ जाती है और मल त्याग करते वक्त जोर लगाने से या कड़े मल के रगड़ खाने से खून की नसों में दरार पड़ जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। यह रोग कई लोगों में अनुवांशिक कारणों की वजह से भी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच जाता है। यह बीमारी आधुनिक युग की ऐसी व्याधि है जो गलत आदतों की वजह से जन्म लेती है। इस बीमारी में गुदा द्वार पर मस्से हो जाते हैं। मल त्याग के समय इन मस्सों में असहनीय पीड़ा होती है। यह बहुत अधिक पीड़ादायक रोग है। बवासीर होने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है। लंबे समय तक शौच को रोकने से बवासीर की समस्या जन्म लेने लगती है। जिसको हर रोज कब्ज की समस्या रहती है उसे भी बवासीर होने का खतरा रहता है। भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से भी बवासीर हो सकती है। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए व जल्दी न पचने वाले भोजन भी इस समस्या को आमंत्रित करते हैं। अधिक दवाइयों का सेवन करने से और लगातार गर्म चीजों के सेवन से भी बवासीर हो सकती है। गर्म पानी से लगातार मल द्वार धोने से भी मस्सा फूल सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी और अनुवांशिक कारणों से भी बवासीर हो सकती है। रात को देर तक जागने से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिनको गुर्दों की बीमारी होती है उनको भी जल्दी बवासीर हो सकती है। गर्भावस्था में भ्रूण का भार बढ़ने पर भी बवासीर हो जाती है। लगातार खड़े रहने वाला रोजगार जैसे कंडक्टर, कुली आदि और लगातार बैठने वाले रोजगार वाले व्यक्तियों में भी यह समस्या ज्यादा पाई जाती है। अब आइए जानते हैं बवासीर के कुछ मुख्य लक्षण के बारे में। मल द्वार के आसपास खुजली का होना, उठते बैठते व चलते समय गुदा द्वार में दर्द होना, मल त्याग के समय कष्ट का आभास होना, मल द्वार के आसपास पीड़ा युक्त सूजन होना, मल त्याग के बाद रक्त का स्त्राव होना, मल त्याग के बाद पूर्ण रूप से संतुष्टि महसूस न होना, मल त्याग के समय मस्सों का बाहर निकलना, शैलेमिक द्रव का स्राव होना, लंबे समय तक कब्ज रहना। अब आइए जानते हैं बवासीर से बचाव के उपायों के बारे में। भोजन संबंधी आदतों में बदलाव। रेशेदार सब्जियों, सलाद व फलों का नित्य सेवन करें, क्योंकि रेशेदार सब्जियां कब्ज को खत्म कर देती है। पपीता, अंगूर और आम का सेवन अधिक से अधिक करें। बैगन और आलू का प्रयोग ना करें। यह रोग अधिकतर कब्ज की वजह से ही होता है। तेज मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें। पानी 4 से 6 लीटर प्रतिदिन पिएं। चाय कॉफी का कम प्रयोग करें, इससे पेट ठीक रहेगा व कब्ज नहीं होगी। लगातार एक ही जगह पर बैठकर काम ना करें, बीच बीच में टहलते रहें। मल त्याग के समय ज्यादा जोर न लगाएं। यदि कब्ज हो तो रात में दूध के साथ मुनक्का व 1-2 चम्मच इसबगोल की भूसी लें। मस्से में इंजेक्शन लगवाकर मस्से को अंदर ही अंदर सुखाया जा सकता है। यदि कोई समस्या हो तो किसी आयुर्वेद फिजिशियन या क्षार सूत्र विशेषज्ञ से मिलकर सलाह अवश्य लें। लस्सी में जीरा और अजवाइन डालकर प्रतिदिन पीने से बवासीर जल्दी ठीक हो जाती है। खूनी बवासीर में खून को रोकने के लिए 10 ग्राम काले तिल को मक्खन में मिलाकर खाली पेट लेने से बवासीर एकदम ठीक हो जाती है। हर रोज दही खाने से भी बवासीर में फायदा होता है।
आंवला का चूर्ण हर रोज लेने से पेट साफ रहता है, जिससे बवासीर होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। जामुन की गुठली और आम की गुठली के अंदर का भाग सुखाकर इसको मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को एक चम्मच की मात्रा में हल्के गर्म पानी या छाछ के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। रात को 100 ग्राम किशमिश पानी में भिगो दें और इसे सुबह के समय में इसे उसी पानी में मसल दें। इस पानी को रोजाना सेवन करने से कुछ ही दिनों में बवासीर रोग ठीक हो जाता है। जीरे को पीसकर मस्सों पर लगाने से फायदा होता है। तो ये थे फ्रेंड्स, बवासीर को करें जड़ से खत्म, लक्षण, कारण और उपचार। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। धन्यवाद।